ठीक है कह रहे, गुंडागर्दी तो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम अगले सरकार में, जब सब योगी सरकार आई है उसे बहुत सुधार है, विकास है, सबसे विकास ज़्यादा है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक किसानों को दिन में बिजली मिलती है, शाम को रात को घर जाकर आराम से सोते हैं, समझ गए जी। सबसे ज़्यादा ये है, सड़कों का विकास है, पढ़ाई का विकास है, पानी का विकास है, हर एक व्यवस्था है जी, सब ठीक है। मतलब सर यहाँ से नाहिद हसन विधायक हैं आपके यहाँ एरिया से? नाहिद हसन है, अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है, अभी क्या करवाया है हमारे क्षेत्र में भी देखा तीन वही तो बात है, तीन दो साल तो हो गए हैं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। नाहिद हसन आए नहीं इधर? बिल्कुल, हमने मैं तो मिला भी नहीं उनसे आज तक, आए नहीं इधर, दर्शन भी नहीं हुए कभी तो जी, बिल्कुल नहीं हुए। ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, हमें झूठ बोलने, भाजपा का विकास नीचे देखो, ये सब बांध का विकास देखो, भाजपा का इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, सब विकास देखो, हाईवे। हेलो दोस्तों, मैं शेजाद बद्री, आप देख रहे हैं एनडी यूपी। हमारी 2024 इलेक्शन की यात्रा पहुंची है आज गांव चोतरा में, जो केराना विधानसभा पर लगता है। यहां पर सिख समुदाय के लोगों ने अपनी एक बैठक बुलाई है और आज उन्होंने समर्थन करने का ऐलान किया है। वो किसको समर्थन कर रहे हैं? भाजपा को जी, बीजेपी को वोट पहले भी दिए, अब भी बीजेपी को देंगे। विकास हो रहा है यूपी में, अच्छा विकास हुआ है, अपना समझो सड़कों का विकास होया है, बिजली का विकास होया है, किसान को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दिन में बिजली मिलती है। किसान कहाँ से? मैं गांव से चौतरा से हूँ, गुरलाल सिंह कलरी से। अच्छा, यहाँ कितना वोट है सरदार लोगों का? यहाँ हमारे यहाँ वोट है कलरी में 450। हाँ जी, तो पूरा समर्थन में, चौतरा में पूरा समर्थन बीजेपी को हो रहा है या फिर इधर उधर भी? बीजेपी को पूरा समर्थन। ये कह रहे हैं कि सरकार बढ़िया नहीं है प्रमुख साहब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया सरकार है, कुछ नहीं है। प्रमुख साहब तो कह रहे हैं सरकार बढ़िया है, मगर ये जो मुलाजिम बैठे हैं दाने सीधे नहीं जाने देते, वहाँ घूम के हो जहाँ पानी पास जहाँ, फिर सरकार की बात नहीं, सरकार को यहाँ डांट लगानी चाहिए भी, जिम्मेदार पानीपत से होके करनाल आए, क्यों आए? अच्छा एक बात बताए, सुनो सीएम साहब ने हमारे यहाँ खरीद है, उत्तर प्रदेश में गेहूँ की खरीद चल रही है, आज चले जाओ, आज जाकर तलवा लो। कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ शामली से हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा में ठीक है वो कह रहे हैं कि रिश्वत लेते हैं, ऐसा कुछ है? कुछ हमें नहीं पता क्या है, जो जाने हरियाणा वाले लेते होंगे, यूपी वाला कोई रिश्वत नहीं लेता, यूपी वाला नहीं था कोई रिश्वत। अच्छा, किसी लिए? आप कहाँ से हैं? यहाँ से हैं। अच्छा, यहीं से? हाँ। चोतरा गांव से। क्या नाम? मैं पास झिंझाने से। झिंझाने से, क्या नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या लग रहा है सरकार किसकी चाह रहे हैं, मोदी सरकार राहुल सरकार? मोदी सरकार 400 पार। 400 पार? हाँ, होगी 400 पार। राहुल गांधी कह रहे हमने पट मजबूत कर लिए, भारत जोड़ो हमने, उसके पट ऐसे हुई नहीं जो मोदी को देख लगा। मोदी 36 इंच का शंका है। 36 इंच का? हाँ बिल्कुल। वो युवा है थोड़े, मोदी जी बूढ़े हो गए? नहीं, बूढ़ा नहीं हो रहा मोदी जी, युवा है। ऐसा ये प्रधान जी है। आप कहाँ से हैं? रंगाना फार्म। यही रंगाना फार्म से। रंगाना यही लगता है ना लोकसभा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो प्रदीप चौधरी कैसे नेता रहे यहाँ? अच्छा रे प्रदीप जी, बढ़िया है काम, तो जो काम किया है बिजली का किया है, सड़कों का किया है, सारे काम चल रहे हैं, काम की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यही है सीजन के पे जो दान निजाज किया, करनाल दाना करनाल जाता है जहाँ मंडी बननी चाहिए और जहाँ ये खोल देना चाहिए इनको बस। आप युवा हैं और सब बढ़िया चल रहा है? हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। यहीं से हैं? हाँ यहीं से, हम पास में रंगाना फार्म गाँव है, हम वहीं से हैं। और बहुत अच्छी सरकार है, इस सरकार में सबसे बड़ी बात है गुंडा राज था पहले, उस चीज को मुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए सड़कें देखिए, बिजली देखिए, मेरे पास में 24 घंटे बिजली है। किसान क्या चाहता है? यही चीजें चाहता है। हमें खेत की लाइट है वो भी 8 घंटे मिल रही है। और सबसे मैंने आपको पहले बताया है भी, जो गुंडा राज खत्म हो रहा है इस सरकार में, योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, इन्होंने शिक्षा को भी आगे बढ़ावा दिया है और छोटी छोटी चीज़ें और भी है, जैसे बिजली, हाँ जी, किसानों को अब फ्री मुफ्त बिजली का ऐलान हुआ है, ये चीज़ें हैं, सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। कह रहे हैं कि सरदार लोगों की कुछ लोग मीटिंग बुलाते हैं, इकरा हसन के भी समर्थन में बात कह रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं देखो, वो ऐसा कुछ हमें तो देखने के लिए मिला नहीं है ऐसा कुछ, अगर होगा तो उसके बारे में फिर देखेंगे जैसे भी होगा। कितना वोट इधर जा सकता है प्रदीप चौधरी? पूरी वोटिंग एक तरफा 90% वोटिंग होगी इसमें। आप कहाँ से भैया? रंगाना फार्म से। रंगाना फार्म से। हाँ जी, हाँ। क्या चल रहा है? युवाओं की शक्ति होती है, युवा किस तरफ जा रहा है? इधर ही इसी सरकार में है, बढ़िया है सब कुछ,
90% वोटिंग हमारी जाएगी इधर, सब बढ़िया। तो मतलब जो है लगता नहीं कि जो है यहाँ एक राशन है मुसलमान और करीब में केराना पड़ता है 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे, कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे हो जाते हैं, ऐसा कुछ डर के माहौल तो नहीं कुछ? नहीं जी, हमारा ऐसा कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं हमारे साथ, ऐसा कभी भी कोई बात नहीं, सब ठीक है जी, हमारे को कभी कोई परेशानी नहीं आई। आप क्या पढ़ते हैं? मैं फार्मिंग करता हूँ जी, प्लस टू। अच्छा, बिजनेस करते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो क्या प्रदीप चौधरी कैसे सांसद रहे हैं? बढ़िया जी, सब बढ़िया है। बाकी ये भाई साहब मेरे को ये थोड़ा, हाँ जी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब फिट है मामला सब? बिल्कुल एकदम फिट। अखिलेश यादव की सरकार कैसी रही? क्या यहाँ गुंडा बताया हथियार सप्लाई होते थे इस तरीके का कुछ? देखिए अखिलेश की सरकार पहले थी, जो उन्होंने उनमें खामियां थी, योगी सरकार ने उन सभी को उस चीज को अब बहुत अच्छा किया है। इस सरकार में बिजली हो गया और सड़कें हो गई, और सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले भी बताया था, गुंडा राज खत्म हुआ है इस सरकार में, रिश्वत खोरी खत्म हुई है, ये सब चीजें देख कर सरकार से क्या नाराज किए? बस अखिलेश सरकार से यही है जी, जब उनकी सरकार थी यहाँ पर मान लो सड़क से आने के लिए भी ऐसा था काम कि अगर कोई हरियाणा से हमारा कोई रिश्तेदार आ गया है, उसे देर सवेर हो गई है, तो लोग कपड़े भी उतार लेते थे उसके कपड़े। जी हाँ, ऐसा हालात, ऐसी ही बात थी जी, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही मामला जो कह रहे हैं ठीक। बस एक थोड़ी सी बीजेपी सरकार से एक उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में मंडी होनी चाहिए, मंडी होनी चाहिए। जी हाँ। दूसरी बात है कि मतलब हम दूसरी स्टेट में अपनी गेहूँ या मुंजी लेके जाते हैं, हमें मतलब कष्ट झेलने पड़ते हैं, बॉर्डर पे पुलिस रोक लेती है, कभी किसी के तरले कर, कभी किसी को 10 रुपये दे, 100 रुपये दे, 20 दे, जो भी है, मतलब हमें इस बात की दिक्कत है कि हमारे क्षेत्र में एक मंडी जरूर होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सरदार वोट बट रहा है, अगर सरदार वोट बटेगा तो काम भी बहुत कम मिलेगा, ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। जो भाई साहब ने बात की है, सिख कौम है, सभी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं हम लोग, हमारा फार्मिंग का काम है, हम यही चाहते हैं जो भी कमी है, जैसे अगर हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है और यूपी में भी बीजेपी सरकार है, हम लोग यही चाहते हैं, जैसे सांसद जी आएंगे उनसे अनुरोध करेंगे, मंडी की मांग, अगर मंडी की नहीं मांग हो रही है तो इसका हल किया जाए, जो किसान यमुना के पुल पर रोका जा रहा है उसको मत रोका जाए। इस मूछ में ताकत है कि नहीं अब की बार? बिल्कुल जी ताकत है, तेल साल ठीक ठाक लगा रहा है की बार? नहीं जी, पहले भी ऐसी रहती हैं। हाँ जी, जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से मूछ ऐसी रहती हैं। जब से ऐसे ही रहती है? बिल्कुल जी ऐसी रहती है, मतलब हल्के में तो नहीं अब की बार होगा? ना जी, 400 पार ही पहुँचाएंगे। तो बट तो नहीं रहा? हाँ जी बट तो नहीं रहा? ना 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 बिल्कुल नहीं। आप यहीं से हैं? किराना लोकसभा? हाँ जी किराना लोकसभा से। हाँ जी। आप सरपंच हैं यहाँ? हाँ जी, मैं अभी खेड़ी सोसाइटी के शहर में। हाँ जी। तो कितना वोट है यहाँ पे सरदार जी का? यहाँ वोट लगभग हमारा इस बूथ पूरे किराना लोकसभा पे सरदार लोगों का कितना वोट है? 12-13 हजार वोट है जी। 12-13 हजार? हाँ जी। तो वो एक तरफा जा रहा है या इधर डिवाइड हो रहा है? नहीं जी, एक तरफा जा रहा है, इक्का दुक्का तो ये नहीं, हमने देखा एक राशन के प्रोग्राम है तो कुछ सरदार लोग इस तरीके का कुछ मांग, इक्का दुक्का चलो होगा नहीं, एक तरफा ही है जी, इक्का दुक्का ही है जी बस। तो इसका मतलब ठीक है? बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे रहेंगे। आज हम मौजूद थे किराना लोकसभा पर, हमने जानने की कोशिश की कि आखिर अब की बार सरदार कम्युनिटी किस तरफ जा रही है, और सरदार लोगों के तमाम जिम्मेदार लोग आज बड़े स्तर की मीटिंग बुलाई गई थी, शायद मैंने अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग ये सरदार लोगों की देखी है, क्योंकि मैं भी 7 से 8 महीने तक जो है किराना लोकसभा पर समीकरण निकाल रहा हूँ। अगर आपको लगता है NDUP सोशल जस्टिस नेटवर्क फील्ड में जाकर तमाम मुद्दों की बात कर रहा है, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें।